हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। हम बात कर रहे थे CDP की प्रैक्टिस सेट। CDP में पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर प्रैक्टिस एक बार देखिए। और EVS का 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है तो आप उसे भी जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, थ्योरी की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी EVS की, और शॉर्ट ट्रिक की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो आप जाकर एक बार जो है प्रोफाइल पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो आपको EVS की शॉर्ट ट्रिक की और थ्योरी की EVS की थ्योरी की मिल जाएंगी, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बातें जो है हुई हैं। तो अब से हम क्या करेंगे, EVS की ही नहीं बल्कि CDP की भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके अलावा जल्द ही हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट पर भी बात करेंगे। तो चलिए लगातार आप एग्ज़ाम तक बने रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप क्या करें, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सी है। वयस्क, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, मध्य बाल अवस्था। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे का विकास, जो भाषा का विकास होता है वो संवेदनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। विकास और वृद्धि, आपने ये शब्द दोनों सुने होंगे। विकास का मतलब है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, वृद्धि का मतलब है एक निश्चित समय दिया होता है, उस समय में क्या होता है, वृद्धि होती है, यानी निश्चित समय निर्धारित होती है वृद्धि में। तो वृद्धि एक निश्चित समय पे तो रुक जाती है, बट विकास आपका जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक आपके चलती रहती है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतर, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था के बच्चे अपने समवयस्क समूह के, समवयस्क की भी बात कर दिया इन्होंने और सक्रिय भी बोल दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास, अवधारणा, आप जब विचार करते हैं, अवधारणाएं आती हैं आपके मन में, तो ये किससे संबंधित होंगी, बौद्धिक से, आपके बौद्धिक विकास से संबंधित होंगी, इनकी वजह से ही आप अवधारणाओं का विकास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निगेटिव पूछा है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें पूछा है प्रतिवर्ती, देखते हैं सामान्य से विशिष्ट, अनुक्रमिकता या फिर निरंतरता। देखिए निरंतरता तो अभी हमने देखा, ये आपका सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये भी आपका सही है। अब रह गया क्या, इसमें रह गया आपका प्रतिवर्ती और अनुक्रमिकता। अब इनमें से हमें ऑप्शन चूज करना है, क्या प्रतिवर्ती, ये क्या हो जाएगा, ये इसका सिद्धांत नहीं है, किसका, मानव के विकास का, अनुक्रमित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपके आंसर सही हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव में, लेकिन निगेटिव पूछा है आपसे तो प्रतिवर्ती में ही आप टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन किसका है। यह कथन किसने कहा कि सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, तो ये कथन है एबिंग हॉस ने यह कथन दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो यह देता है व्यवहार पर। देखिए, व्यवहार में ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेदन का परिणाम है, क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। मस्तिष्क की संरचना और कृतियों में विभेदन करना ही क्या है? डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन को हम अभी थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। इस पर हम क्या बात करेंगे? हम इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में, कल की क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार इसे देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता पूछा है पॉजिटिव में, केवल जहाँ पर भी आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना पर बल देना, क्या बच्चे को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाते हैं? जी नहीं। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं या फिर समय सारणी और बैठने की व्यवस्था लचीलापन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए और समय सारणी होनी चाहिए। ठीक है, बार बार परीक्षा लेने से भी बच्चा क्या करता है? डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, अपसारी चिंतन बहुमुखी है, मिर्खी नहीं, बहुमुखी। ठीक है, बहुमुखी, बहुत परिश्रमी होता है या अभिसारी होता है? प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होता है, अपसारी चिंतक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है क्या? अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया हो सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा कितना हो जाएगा? 40-50। आंसर हो जाएगा आपका 40। 40 बच्चों पर अनुपात 40, यानी ये आपका शिक्षक की हो जाएगी, ये आपका एक शिक्षक पर कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 40 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रभावशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, आवश्यक वाले हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता पूछा है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए के प्रति ईमानदार रहना, या सोच विचार परीक्षण विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? प्रयोग। ठीक है, फिर है अभी सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, या फिर किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, देख रहे हैं आंसर सी, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ठीक है, ये आपका निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है? नहीं, जोर नहीं देगा, अच्छा तरीका नहीं है बच्चे से समस्या पर हल जो है समस्या का हल पूछने का। अभिसरण यानी एक अनुबंधित होता है, सीमित होता है इसका क्वेश्चन, यानी आप जैसे आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना आंसर जो क्वेश्चन का आंसर पूछा बस उतना ही बोल दिया, उसका आंसर डायरेक्ट बोल दिया। जैसे ताजमहल कहाँ है तो आपको पता है आगरा में, आपने बोल दिया आगरा में,
बस यहीं पे ख़त्म। यहाँ पे बच्चे की सोचने विचारने की क्षमता कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव में और है। अधिगम स्वभाव में डैश है और डैश है क्या? सक्रिय और सामाजिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करते हैं, या जीवन सच्चा शिक्षक है, या फिर स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखा जाता। आंसर हो जाएगा आपका, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से कैसे माना जा सकता है, किसे माना जा सकता है? ठीक है, कैसे नहीं होगा, यहाँ पे किसे हो जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया आए हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इसमें आंसर आपका क्या होगा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसने किया कि सृजनशील मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? यह कथन है क्रो का। ठीक है, क्रो एंड क्रो का कथन है, क्या हो जाएगा, क्रो एंड क्रो, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कहा, तो यह कथन क्या है, आगमनात्मक, क्या हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई रूप ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है? आंसर हो जाएगा आपका वुडवर्थ। वुडवर्थ का कथन है व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणवत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीवन का अनोखा काल माना गया है किसे? जीवन का अनोखा काल माना गया है किसे? तो ये है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बालकों का सर्वाधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बौद्धिक क्षमता का विकास होता है कैसे? घर में मित्र और साथियों के साथ, अंतःक्रिया से, या विद्यालय और कक्षा में, या खेल के मैदान में। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है बच्चे का मित्रों और साथियों के साथ अंतःक्रिया करने से। ठीक है, विद्यालय और कक्षा में बौद्धिक क्षमता का बात हुआ, खेल के मैदान में। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सी, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन किसको मानेंगे, सी को, विद्यालय और कक्षा में। तो विद्यालय और कक्षा में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। अगर पूछे कि बच्चे का अधिगम, बच्चा सीखता है सबसे ज़्यादा कहाँ से, तो सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ से सीखेगा, खेल के मैदान में, या फिर सेकंड नंबर पे आपका मित्र और साथियों के साथ अंतःक्रिया करने से। तो जब सीखना या अधिगम पूछे तो खेल के मैदान, या फिर आपका मित्र और साथियों के साथ अंतःक्रिया करके। यहाँ पर पूछा है बौद्धिक क्षमता की बात। ठीक है, तो बौद्धिक क्षमता में आपका आंसर हो जाएगा विद्यालय और कक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, यानी बहुत अधिक मेधावी, आपने किस तरह पढ़ाएंगे, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ठीक है, जब वे चाहें कक्षा के साथ समृद्धिकरण
कार्यक्रमों के द्वारा या उच्च कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ गलत बात, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें क्या करेंगे आप, पढ़ाएंगे, ठीक है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है, चरित्र का विकास होता है, चरित्र का विकास किससे होता है, नैतिकता से होती है, बल और व्यवहार से, या इच्छा और शक्ति से, इन तीनों से ही चरित्र का विकास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आज की जो है प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लगी, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह आप सीटेट एग्ज़ाम तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपने सीटेट का पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाकर प्रैक्टिस सेट देखिए, ईवीएस की भी प्रैक्टिस सेट देखिए और ईवीएस के जो थ्योरी कॉन्सेप्चुअल हैं उन्हें भी देखिए। तो इन सबकी जो है प्ले लिस्ट आपकी बना दी गई है, आप जाकर के प्ले लिस्ट पर विजिट कीजिए, सारे प्ले लिस्ट को ख़त्म कीजिए। आई होप आपको सारे प्ले लिस्ट के सारे वीडियोस आपको अच्छे लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।